एक आखिरी सवाल और सर, सभी की नजरें राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए, ये वाला प्रश्न कम से कम 10 लीडर से आज पूछा जा रहा है राजस्थान में, तो अच्छी बात है, राजस्थान में अच्छी लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो जिम्मेदारी मिलती है, ना वो बड़ी होती है ना छोटी होती है, वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। मेरे को इस जोटवाड़ा विधानसभा का सेवा करने का जो मौका मिला है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिन्होंने जोटवाड़ा से भारी अंतर से चुनाव जीता है। लगातार बने हुए हैं राजीव, तस्वीर साफ कीजिए जोधपुर के सभी सीटों की, क्या कुछ नजर आ रहा है, अपडेट जरा दीजिएगा। राजीव, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो ओवरऑल अपडेट जरा कीजिएगा। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर है राजीव का रुख करेंगे। पूरम, लेकिन सागवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के शंकर डेचा की जीत हुई है। सागवाड़ा से बीजेपी के जी शंकर डेचा, बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है, यानी सागवाड़ा सीट भी नरेश जी बीजेपी के खाते में, ये पहले से ही नजर आ रहा था, यहाँ के मुकाबले को कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए वागड़ का इलाका है और वहाँ पे सागवाड़ा जीतना, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, वागड़ में, मेवाड़ में और हाड़ोती में क्या रहता है, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि भाजपा का भविष्य क्या रहता है। और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों पे अगर जी, एक और बड़ी खबर मिल रही है, सबसे पहले आप तक पहुंचा दें, सीकर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र पारीख जीत गए हैं, ये बड़ी खबर है, कांग्रेस की जीत है सीकर से। कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजेंद्र पारीख, उन्होंने जीत दर्ज की है, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कितना अंतर रहा है, कितना मार्जिन रहा है, वो अपडेट भी आप तक करेंगे। लेकिन एक और सीट कांग्रेस के खाते में अब बहुत जल्द, जो रुझान आप तक पहुंचा रहे थे वो नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र पारीख जीत गए हैं क्षेत्र। बिल्कुल, मौजूदा विधायक है और एक बार फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब भी हुए राजेंद्र पारीख। हालांकि अपनी जीत को लेकर लगातार राजेंद्र पारीख आश्वस्त भी थे। अब सवाल ये उठता है नरेश जी कि जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, जो हार रहे हैं, वो हार रहे हैं वो अपने अलग तर्क देंगे, जीतने वाले अलग तर्क देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विधानसभा की जनता की सोच अलग थी, या इससे पता चलता है कि कैंडिडेट कितना अहम होता है, आप किस कैंडिडेट को, किस प्रत्याशी को मैदान में उतार रहे हैं उसकी भी अहमियत होती है। देखिए, राजेंद्र पारीख की जीत में भारतीय जनता पार्टी के बागी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह से तारंजन दायल ने वहाँ वोट लिए हैं, वो सीधे सीधे भाजपा के वोट काटे हैं और इसी कारण से रतन जलधारी है वहाँ पे चुनाव गंवाए हैं। क्योंकि अगर सीधा मुकाबला होता भाजपा और कांग्रेस में, तो मेरा मानना है कि परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन भाजपा का जो कह सकते हैं, जो मैनेजमेंट का जो टीम है, वो धायल को बैठाने में नाकाम रहा और इसका नुकसान सिर्फ सीकर नहीं, आप जब परिणाम देखेंगे तो पास की एक फतेहपुर की सीट और है, वहाँ पे भी नजर आएगा। वहाँ पे भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस से हाकम अली है, वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर भी भाजपा है, वो बागियों को नहीं बैठा पाई और जिसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा के उम्मीदवारों को हुआ है। तो जहाँ ये जो भाजपा हार रही है, अगर हम उनका विश्लेषण करेंगे तो बागियों के कारण हारती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में खासकर सीकर की हमने बात की, आप पास में जाइए झुंझुनू में, नवलगढ़ में पहली बार भाजपा ने खाता खोला है। राजकुमार शर्मा 3 बार विधायक रहे मुख्यमंत्री के। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीत, ये जीत तय थी लेकिन अब देखना होगा कि वोटों का अंतर यहाँ पर कितना है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत चुके हैं, जब झालरापाटन का परिणाम आया था तब भी हम यही जिक्र कर रहे थे पूनम की मुख्यमंत्री की जीत तो तय है। पूरे 5 साल केवल इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने आपसी लड़ाई लड़ते रहे और जनता की कोई सुध नहीं ली। जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया और जिस तरह से भ्रष्टाचार इन्होंने किया राजस्थान में, महिलाओं पर अत्याचार हुए, महिला उत्पीड़न हुआ और युवा जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पेपर लीक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाया, जनता ने ये मैंडेट दिया है। मैंडेट दिया, लेकिन अब कौन सी 3 प्राथमिकताएं रहेगी हीरालाल नागर की? हमारी प्राथमिकता रहेगी किसानों के साथ जिस तरह से हम उनको संबल देंगे, युवाओं के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, तो पेपर लीक नहीं हो और पेपर लीक होने करने वाले इन माफियाओं का पर्दाफाश होगा, वो जेल की सलाखों में होंगे। आपने बहुत सारे संकल्प लिए थे चुनाव से पहले हीरालाल जी, आपने कहा था माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा, अब मैं
का भी धन्यवाद देती हूँ कि उनकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जीतती हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी केंद्र सरकार ने, पूरी टीम ने कलेक्टिवली जो इस चुनाव में मेहनत की, वो पधारे, सबका आशीर्वाद मिला। और जो राजस्थान की जनता ने विश्वास जताया है कि नहीं, हमको मोदी सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, और इस वजह से हम लोग जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैडम, इस सीट से आप नया चेहरा थी और आपका सामना ऐसे प्रत्याशी से था जिनको दूसरा टिकट मिला था, तो कैसी थी रणनीति? नहीं नहीं, बिल्कुल मेहनत हम लोगों ने की सबने मिलकर। और देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की विफलता थी, पूरी तरह से फेल सरकार, और हमने ये चीज कन्वे जनता तक करी, जनता को बात समझ में आई, और इसीलिए जनता ने, जो कहते हैं ना साइलेंट वोटर, अंडर करंट पूरी तरह से बीजेपी का ही था। मैं शुरू से कह रही थी, करंट अगर इनको लगा कांग्रेस को, तो बिजली का जरूर लगा होगा, क्योंकि बिजली के बिल जिस तरह से बढ़ चढ़ के आए थे पूरे समय, और जनता ने विश्वास जताया, जनता ने पूरी तरह से। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, क्या रुझान आया बता दे आपको, अब नतीजे आ गए हैं। डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान जीत गए हैं। बीजेपी से बगावत की थी, चुनावी मैदान में उतरे थे यूनुस खान, हालांकि वसुंधरा राजे ने पूरी कोशिश की थी उनको टिकट मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान जीत गए हैं, बगावत की थी लेकिन कामयाब। बिल्कुल, और मुस्लिम कैंडिडेट को, एक भी कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, पिछली बार भी ऐसी तस्वीर थी, लेकिन यूनुस खान को टिकट मिला, इस बार नहीं मिला, तो बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे यूनुस खान। और ये फैसला उनके हक में आया जब निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद यूनुस खान जीतने में कामयाब रहे। नरेश जी, देखिए, यूनुस खान का मजबूत क्षेत्र रहा है डीडवाना, और डीडवाना में उन्होंने इस बार, उनको शायद इस बात का अभी पहले से अंदाजा था कि संभव, लेकिन पुष्पेंद्र जी, पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई, जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव आपके बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। केंद्र नेतृत्व तो बहुत जल्दी तय करेगा, जो संगठन तय करेगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। सतीश पुनिया जी हार चुके और राजेंद्र राठौड़ भी पीछे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं, सबके परिणाम आने तो उसके बाद अपन कोई इस पर टिप्पणी करेंगे। कितनी फीट लगती है 113 तो रुझान में? लगभग मैं समझता हूँ 115 से 120 के बीच में आएंगे। स्पष्ट बहुमत होगा, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जंगल राज और जो कुशासन था, महिलाओं पर अत्याचार था, जो पेपर लीक था, और बिजली के बिल बढ़े, और अजमेर के पानी के, जिन्होंने अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया, उनकी हार है। तो अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार करने वालों की हार है, और हार करने के साथ ही अब जो विधायक देवनानी है यहाँ पहुंचे हैं और अब शपथ लेंगे, शपथ के साथ साथ जो जीत की उन्होंने विक्ट्री फाइन पांचवी बार दिखाया, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो विचारधारा उसकी जीत हुई है, और जिन्होंने सनातन का विरोध किया था उनकी कहीं ना कहीं पराजय हुई है। अजमेर से कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ शुभम जैन, अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि वो दावा कर रहे थे कि सरकार उनके रिपीट होगी, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल जीत गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को उन्होंने हरा दिया। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा था, कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने जीत दर्ज कर ली है, वहीं शायद दूसरे एक पीपलदा से भी सीट कांग्रेस के खाते में गई है। एक और बड़ी खबर मिल रही है विजेंद्र। बिल्कुल, डूंगरपुर सीट से कांग्रेस के गणेश घोगरा लगातार दूसरी बार जीते हैं, और वो एक युवा चेहरा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे, बाकायदा यूथ की कमान संभाल चुके हैं। और डूंगरपुर सीट से वापस एक बार गणेश घोगरा जीत गए हैं। तो ये दरअसल वो सीटें जो कन्फर्म हो चुके हैं, 49 सीटें अभी तक कन्फर्म हो चुकी हैं, जिनमें से 30 पर बीजेपी जीत चुकी है, 15 पर कांग्रेस जीत चुकी है, और 4 पर अन्य जीते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, बड़ी खबर औसिया से है। औसिया से बीजेपी प्रत्याशी भैराराम चौधरी की जीत हुई है, 2668 मतों से भैराराम जीते हैं। और ये बड़ी खबर कि जो मदेना परिवार का गढ़ था
वहां से दिव्या मदेना हार गई हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी देखिए यहां पर आपको खास बात ये थी कि आरएलपी ने भी यहां उम्मीदवार नहीं उतारा था, पर्दे के पीछे भैराराम सियोल को उन्होंने मदद की थी और यहां पर आमने सामने का चुनाव था। भैराराम सियोल पहले भी विजेंद्र यहां पर विधायक रह चुके हैं, पिछली राज्य सरकार में वो संसदीय सचिव भी बने थे और यहाँ बड़ा चुनाव दिव्या मदेना को उन्होंने चुनाव हरा दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। मदेना परिवार की वो पीढ़ी, परसराम मदेना की पोती महिपाल मदेना की और लीला मदेना की बेटी दिव्या मदेना, तेज तर्रार नेता, आपने देखा होगा विजेंद्र की भारत जोड़ो यात्रा में बेहद सक्रिय रही थी। जी योगेश, एक और बड़ी खबर मिल रही है, देख लेते हैं कि फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से भाजपा के ताराचंद जैन जीत गए हैं, एक और सीट भाजपा के नाम, कांग्रेस के गौरव वल्लभ की हार हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। योगेश अपनी बात कंप्लीट कीजिए, इसके बारे में भी। ये भी बड़ी जीत है, ताराचंद जैन गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बन गए, उसके बाद सीट खाली हुई और उन्हीं के समर्थक इनको माना जाता है। गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ये दूसरी जी ने वीटो लगाकर इस सीट पर उनको उतारा था। लेकिन योगेश जी एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, ओसिया के अंदर आपको लग रहा है कि बड़ा उलटफेर हुआ है या आपको लग रहा है कि ये मार्जिन और ज्यादा होना चाहिए था जिस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट वहां से जीते? देखिए निश्चित रूप से पूर्व संसदीय सचिव बैराराम सियोल ने जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद से लगातार 5 साल तक जनता के बीच में रहे और कहते हैं कि कड़काई ज्यादा चलती नहीं है और कड़काई दिव्या मदेना की नहीं चली है। और इस वक्त इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में शिवप्रकाश पुरोहित हमारे संवाददाता से बात कर रहे हैं कि इस हार को कैसे देखते दिव्या मदेना के हाथ को। जी निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव था वो दिव्या मदेना का जिस तरह से पूरे चुनाव में एग्रेसिव कैंपेनिंग थी और बैराराम सियोल ने जमीन पर रहकर के जो कैंपेनिंग किया उसका कहीं ना कहीं मतदाताओं पर असर किया और मतदाताओं ने एक सहज छवि के जो उम्मीदवार थे उनको यहाँ जिताना पसंद किया। और हालांकि काफी करीबी मुकाबला रहा है लेकिन बैराराम सियोल ने यहाँ बाजी मारी है। वहीं जोधपुर जिले की अगर बात की जाए तो जोधपुर शहर से अतुल भंसाली जो पिछली बार 5,000 लगभग वोटों से हार गए थे, इस बार लगभग 13-14,000 वोटों से उन्होंने यहाँ जीत हासिल की है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीत हुई है। वहीं अगर बात की जाए बिलाड़ा में अभी भी कहीं ना कहीं काफी करीबी मामला है, कांग्रेस यहाँ मार्जिन पर है और जीत सकती है और भोपालगढ़ में कांग्रेस की जीत है। तो फिलहाल 7 पर भाजपा है वो आगे है और 3 पर जो कांग्रेस है वो जीते दिखाई दे रही है। अगर लबोलबाप अगर जोधपुर संभाग की बात करें तो साले मोहम्मद की जिस तरीके से इतना बड़ा अंतर कहते हैं, रूपाराम की बात करें, अगर बात करें इस जोधपुर संभाग में आने वाले पाली की बात करें, जैसे राजीव सुन रहे हैं मेरी बात, राजीव आपसे सवाल खबर मिल